अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ मी हाफिज अब्दुल वाजिद फ्रॉम ग्लोब स्टेट। डियर व्यूअर्स, मेरी प्रीवियस वीडियो जो G5 बैरी ऑर्चिड फेस 4 के मुतल्लिक थी, हमने वो उसका प्राइस जो है वो रिव्यू किया। आज हम डिस्कस करेंगे G6 ब्लॉक को। चलते हैं मैप के ऊपर। डियर व्यूअर्स, जैसा मैं आपको पहले भी लोकेशन डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आपको एक बार दोबारा बताता चलता हूं कि अड्डा प्लॉट से जैसे ही आप टुवर्ड रायवंड सिटी की तरफ मूव करते हैं, तो आपको 5 से 6 किलोमीटर के फासले के ऊपर लेफ्ट साइड पे बहरी ऑर्चर्ड फेज़ 4 की लोकेशन मिल जाती है। जैसे ही आप बहरी ऑर्चर्ड में एंटर होती हैं, तो हमारे लेफ्ट साइड पर पहले G1 ब्लॉक आता है, फिर G2 ब्लॉक आता है। ये दोनों ब्लॉक कनाल कनाल के हैं, इसका रिव्यू भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। उसके बाद G3 एंड G4 आते हैं, ये 10-10 मल्ले के हैं, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ इसकी प्राइस वगैरह। और G5 की भी आपके साथ प्राइस रिव्यू मेरी पिछली वीडियो में इसकी शेयरिंग हो चुकी है। अब आज हम बात करेंगे G6 की। G5 और G6 ये इक्वल ब्लॉक हैं प्राइस के लिहाज से भी। यहाँ पर आपको G6 में सफारी होम के नाम से ये छोटा सा एरिया नज़र आ रहा होगा, इसको भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करेंगे कि सफारी होम्स बेसिकली क्या है, किसके हैं और यहाँ पर क्या प्राइस जो है वो चल रही है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। G6 में अगर हम प्राइस रिव्यू करें, तो हमें जो ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे अगर हम कोई प्लॉट सेल या परचेज़ करते हैं, तो हमें 80 लाख से लेके 85 लाख तक जो है यहाँ पर प्लॉट मिलता है या सेल होता है। उसके बाद कुछ प्लॉट आ जाते हैं ये बाउंड्री के करीब, यहाँ पे हमें प्लॉट प्राइस जो है वो 75 लाख से लेके 80 तक मिलती है। फिर हम जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे 800 की नंबरिंग में, 900 की नंबरिंग में, तो यहाँ पर हमें प्लॉट प्राइस जो है वो तकरीबन 70 से लेके 75 तक मिलती है। अगर हम ये पीछे बिल्कुल रेलवे लाइन चल रही हैं जो कि लाहौर से टूवर्ड रायवंड सिटी की तरफ जाती हैं, अगर हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर आपको जो प्लॉट प्राइस है वो आपको काफ़ी कम मिल जाती है। तकरीबन आपको यहाँ पर 55 लाख से लेके 58-59 लाख तक यहाँ पर आपको प्लॉट मिल जाता है। फॉर आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप घर बनाना चाहते हैं, तो घर बनाने के लिए आपको ये वाला एरिया जो 80-85 की रेंज में है, और ये वाला एरिया 75 से 80 तक की रेंज में है, ये घर बनाने के लिए बेहतरीन है। अगर इस रेंज में आएंगे तो ये फॉर इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर अभी आप घर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी कोई घर नहीं बना हुआ, इसलिए यहाँ पर आप घर जो है वो रहना जो है एक मुश्किल काम है। यहाँ पे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके अलावा आपको यहाँ पर थोड़े से 5 मल्ले के प्लॉट भी नज़र आ रहे हैं, ये भी आपके साथ डिस्कस करता चलूँ कि 5 मल्ला का प्लॉट यहाँ पर आपको 30 लाख से लेके 33 लाख तक विद ऑल ड्यूज़ क्लियर मिल जाता है। बाकी अगर आप अपना प्लॉट बेचना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं या अपने प्लॉट की असेसमेंट लेना चाहते हैं, तो आप मेरे ऑन स्क्रीन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर हम बायर लाइबिलिटीज़ की तरफ आएँ, तो बायर अपनी ट्रांसफ़र फ़ीस पे करेगा, उसके अलावा CVT स्टैम्प ड्यूटी पे करेगा, एडवांस इनकम टैक्स पे करेगा, और सोसाइटी की जानिब से उसके नाम प्लॉट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। सेलर लाइबिलिटीज़ की तरफ आएँ, तो सेलर जो है अपने प्रीवियस जितने भी ड्यूज़ हैं वो सारे पे करेगा, उसके अलावा अपना एडवांस इनकम टैक्स पे करेगा, तो सेलर जो है वो ये क्वालिफाई कर जाएगा कि वो अपना प्लॉट जो है वो नेक्स्ट पर्सन के नाम जो है वो ट्रांसफ़र करवा सकता है। मज़ीद मालूमात के लिए फेज़ 4 का साइट विज़िट करने के लिए आप ऑन स्क्रीन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। कस्टमर्स और इन्वेस्टर्स के सरमाए का तहफ़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। ग्लोब स्टेट एंड बिल्डर्स।